और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वेब सीरीज IC 814 को लेकर आज अहम बैठक है। सुबह 10:30 बजे सूचना प्रसारण मंत्रालय में बैठक होगी। नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को तलब किया गया है। कंटेंट हेड को आज पेश होने के लिए कहा गया है। सीरीज में आतंकियों के नाम बदलने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है और इसी को लेकर ये जो बैठक है वो होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे सूचना मंत्रालय में ये बैठक होने जा रही है। दरअसल इस वेब सीरीज को लेकर काफी विवाद हो रहा है और अब इस मामले को लेकर एक मीटिंग आज होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे का वक्त है जब बैठक यहां पर होगी। दरअसल इस वेब सीरीज में आतंकियों के नाम बदलने को लेकर विवाद हुआ है और आज नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को तलब किया गया है, उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल इस वेब सीरीज को बैन करने की मांग की जा रही है दूसरी तरफ, और इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है जिसमें इस सीरीज को बैन करने की मांग की गई है। IC 814 द कंधार हाईजैक को बैन करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से फिल्म मेकर पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया गया है। दूसरी तरफ आज इस पूरे मामले को लेकर एक मीटिंग होनी है। दरअसल मामला कुछ इस तरह का है कि यहां पर विमान को हाईजैक करने वाले आतंकियों के नाम इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सन्नी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर थे, लेकिन वेब सीरीज में इनके नाम बदल दिए गए हैं। इनमें से दो आतंकियों के नाम भोला और शंकर रखे गए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है।